I'm Dr. Sharda Jain. Welcome to our YouTube channel, Life Care Center, सही उपचार। कोविड का समय है, बड़ी तेजी से लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है और बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। बहुत सारे का मतलब ये नहीं है, लेकिन अच्छे जब लार्ज नंबर किए जाएंगे तो लोग दिखाई देंगे। ज्यादातर लोग एसिम्टोमैटिक है, कोविड पॉजिटिव है, घर के सारे लोग नेगेटिव। अगर वो बंदा यंग है, कोई सिम्टम्स नहीं है, ऐसे लोगों को कोविड केयर हॉस्पिटल की बंदूक की फिजिशियन को दिखाइए। वो अगर आपको एग्जामिन करके कहते हैं कि आप घर में रहिए, आपको दाखिले की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक इट। पर वो जो घर में आइसोलेशन है उसको स्ट्रिक्टली आइसोलेशन की तरह से लेना पड़ेगा। आपके पास कमरे की स्पेस होना चाहिए, अटैच बाथरूम होना चाहिए और आपको सेवा करने के लिए लोग भी होने चाहिए। उसमें ये क्या करते हैं कि आपको पल्स ऑक्सीमीटर देते, पल्स ऑक्सीमीटर से आप 3 बार 4 बार 5 बार अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन देखिए। कोई खांसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली अपना टेम्परेचर ऑब्जर्व करें और अपना पल्स ऑक्सीमीटर का काम करें। मेरे जैसे लोग कहते हैं जिंकोविट की टैबलेट इनको वो लोग देते हैं, और मैंने जो 2-3 लोग जो घर में क्वारंटीन है उनको मैंने फिजिशियन के द्वारा एजिथ्रॉल होते भी देखा। ये वो लोग हैं कुछ जो हाइड्रोक्लोरोक्विन भी वगैरह उन्होंने लिया, तो उसमें वो हाइड्रोक्लोरोक्विन की भी टैबलेट खाते। इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। जब इनके पूरे 14 दिन पूरे हो जाते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो उनकी फिर ये रीटेस्टिंग कराते हैं। और यहां पर मैं भूल गई हूं कि आपको आयुष का काढ़ा भी पीना चाहिए, 2-3 बार काढ़ा भी पीते हैं। एंड आई एम ए वेरी स्ट्रांग प्रोपोनेंट ऑफ नारियल का पानी। पहले दिन आप इनको नारियल के जितना आपका वेट है डिवाइडेड बाय 10 नारियल पानी पिलाइए, पहले दिन और दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एनर्जी सब बैक हो जाएगी। ये तो है जो सिंपल लोग हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एनी अदर प्रॉब्लम्स, एंड द पीपल आर यंग। ये सिंपल सा चीज है जिसको कि आपने फॉलो करना है, और आपके पहले भी आपके रिलेटिव्स जो घर में रहने वाले हैं वो नेगेटिव हैं, और जब दोबारा टेस्टिंग होगा तो उस जेंटलमैन का टेस्ट हो जाएगा, एक बार नेगेटिव हो जाएगा, फिर भी वो मेंटेन करें कि काफी दिनों तक घर में रहें। 14 दिन तो आपने होम क्वारंटाइन में रहना ही रहना है, और जो लोग घर में रहते हैं उनको अपना जरूर टेस्ट कराना है कोविड के लिए। तो ये तो सिंपल सा चीज हो गई कि कोविड पॉजिटिव अगर आपका एक्सीडेंटली आ गई और आप टोटली एसिम्टोमैटिक हैं, और एसिम्टोमैटिक आप 14 दिन में भी रहते हैं, आपको जो डॉक्टर्स हैं उनके सुपरविजन में रहना पड़ता है, वो रिमोट से आपको सुपरविजन करते हैं। डे टू डे आपको दिन में 2-3 बार कॉल करते हैं, आप उनको बार कॉल कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छी तरह से मॉनिटरिंग होती है।